इस T20 सीजन My Team 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में. डाउनलोड द My Team 11 ऐप नाउ. दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की. प्ले रिस्पॉन्सिबली. मुख्यमंत्री गहलोत ने निवास पर की जनसुनवाई. आमजन के सुने अभाव और अभियोग. अधिकारी को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं. बजट घोषणा नवीन जिले बनाने के लिए लोगों ने आभार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का व्यक्त किया. ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया गया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवास पर जनसुनवाई की और उस दौरान बड़ी संख्या के अंदर लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में पहुंचे, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभाव और अभियोग आमजन के सुने और साथ ही के अंदर अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दिए गए. लगातार देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं, जहां बजट घोषणाओं नवीन जिले बनाने के लिए लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी लोगों के द्वारा व्यक्त किया गया. और तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद के अंदर महिलाएं पुरुष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में पहुंचे, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुना और साथ ही के अंदर उन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को दिए और साथ ही के अंदर बजट घोषणाओं और साथ ही में नवीन जिले बनाने के लिए लोगों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी व्यक्त किया. और लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद के अंदर लोग मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की गई और जिस तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में की है, जिस तरह से नए जिलों की घोषणा की गई है, ऐसे के अंदर लोगों में काफी खुशी का माहौल है. तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लोगों ने धन्यवाद कहा, उनका आभार व्यक्त किया गया और साथ ही के अंदर जब लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों से त्वरित निस्तारण के आदेश भी दिए हैं. और लगातार आप ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर महिलाएं पुरुष अपनी समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में पहुंचे और साथ ही के अंदर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला, खुशी लोगों के अंदर देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणाएं की है अपने बजट में भी, तमाम जनता के हित के लिए जो घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई है, नए जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई है, ऐसे में उन तमाम घोषणाओं से जनता में काफी राहत और खुशी का माहौल है. और ऐसे के अंदर जब लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे तो सभी लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया गया. और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं. बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री गहलोत का आभार व्यक्त किया गया और साथ ही में अपनी समस्याओं से अवगत भी करवाया गया. जनसुनवाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की जा रही थी उन्हीं के निवास पर. ऐसे के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए पहुंचे और साथ ही के अंदर अपनी समस्या से अवगत करवाया और जो बड़ी घोषणा है बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी, काफी राहत भरी घोषणाएं की गई थी. ऐसे के अंदर लोगों में काफी खुशी थी, काफी राहत लोगों को महसूस हुई. और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं. नरेश जी, काफी खुशी लोगों के अंदर नजर आई जनसुनवाई के दौरान, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी व्यक्त किया गया और अपनी समस्याओं से भी अवगत करवाया गया. बिल्कुल, देखिए बजट पेश होने के बाद लगातार ये सिलसिला जारी है, जब मुख्यमंत्री से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर मिल रहे हैं. एक तो बजट घोषणाओं के लिए आभार जताए हैं, जो जिले बने हैं उनके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है, साथ में जो प्रमुख जो जन कल्याणकारी योजनाएं घोषित की गई है उनके लिए धन्यवाद दिया है और साथ में अपने क्षेत्र की जो समस्या है उनसे मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है. आज सुबह मुख्यमंत्री सूरत रवाना होने से पहले विभिन्न प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए जो लोग हैं उनसे मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और वहाँ पे जो अधिकारियों की जो टीम तैनात है उनको निर्देश दिए कि जो भी समस्या आई है उनका उचित निराकरण है वो त्वरित गति से कराया जाए.
कल भी मुख्यमंत्री से अलग अलग प्रतिनिधि मंडल मिले थे, आज भी विभिन्न संगठनों के लोग मिले हैं, विभिन्न समाज के लोग मिले हैं, विभिन्न जिलों के लोग भी आए हैं, और खासकर जिन जिलों के लिए मुख्यमंत्री ने प्रमुख घोषणाएं की है उनके जनप्रतिनिधि भी आए हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद दिया है। अब चूंकि मुख्यमंत्री आज गुजरात दौरे पे हैं और उसके बाद जब शाम को आएंगे तब भी कई प्रतिनिधि मंडल से उनके मिलने का कार्यक्रम है, तो लगातार हम पिछले कई दिनों से जो लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री तमाम उन लोगों से मुलाकात करके उनका आभार तो ले ही रहे हैं, साथ में जो समस्याएं इस वर्ष ज्ञापन के माध्यम से यानी किसी तरीके से जो उन तक पहुंचाई जाती है उन तमाम समस्याओं का कैसे निराकरण किया जा सके, कैसे जनता को सहूलियत मिले, उनकी समस्याएं दूर हो, उनके क्षेत्र की समस्या दूर हो, उनको और बिल्कुल नरेश जी एक बड़ी सफलता के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है।